नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है और वक्त हो गया है सांध समाचार का। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि राज्यसभा की सीटों से जुड़ी हुई है। दरअसल बड़ी खबर ये कि राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं और इसमें मध्य प्रदेश की भी एक सीट है जो खाली हुई है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि अभी तक राज्यसभा सांसद थे, अब वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इसकी वजह से ज्योतिराज सिंधिया की भी सीट खाली हुई है। वहीं इसके साथ साथ असम की 2 सीटें, बिहार की 2 सीटें खाली हुई हैं, यानी 5 सीट हो गई। हरियाणा की 1 सीट, महाराष्ट्र की 2 सीट भी खाली हुई और राजस्थान की भी, और साथ ही त्रिपुरा की भी 1 सीट खाली हुई है। तो यहां पर अब 6 महीने के अंदर नियुक्ति होगी, कैसे राज्यसभा भेजा जाएगा और किसका नाम आ जाएगा ये सब भी देखना होगा। और संदीप भंवर का हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए 10 राज्यसभा की सीटें खाली हुई, आप आगे की क्या इक्वेशंस होंगी और ज्योतिराज सिंधिया की सीट को किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है? लेकिन लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद ये तय माना जा रहा था कि ज्योतिराज सिंधिया अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे के बाद में ये सीट खाली घोषित कर दी गई है, इस्तीफा स्वीकार किया गया है। और अब मध्य प्रदेश में इस खाली सीट पर जो उपचुनाव होंगे उसमें ये बीजेपी के खाते में ही जाना तय है और बीजेपी अब ये तय करेगी किस लीडर को यहाँ मध्य प्रदेश के राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। उम्मीद इस बात की है कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले लीडर को राज्यसभा भेजा जाए। अब तक जो बीजेपी का इतिहास रहा है, किसी वेलनेम चेहरे की बजाय एक अनजान सी शख्सियत को भेजने की परंपरा बीजेपी ने निभाई है पिछले कुछ सालों में, तो उम्मीद इसी बात की है कि इस बार भी जो राज्यसभा में चेहरा भेजा जाएगा वो कोई चौंकाने वाला नाम होगा, कोई अनजान सा शख्स होगा, लेकिन उसने समाज के हित में कोई बेहतर काम किए होंगे। बीजेपी ने कोशिश भी इस बात की है कि वो ये जताने की कोशिश करे कि आम कार्यकर्ता को वो राज्यसभा लोकसभा भेजती है और इसी परंपरा को अब आगे बढ़ाते हुए उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की खाली सीट पर भी किसी ऐसे ही चेहरे को भेजा जाएगा। नहीं, लेकिन क्या इसके बारे में आकलन क्या लग रहा है? क्या कोई सिटिंग विधायक भी है ऐसा जो इस कहीं ना कहीं पोजीशन पे फिट बैठता हो, उसको भेजा जा सकता है? ये भी कुछ आशंका है क्या, कोई ऐसा सीनियर लीडर जो अभी फिलहाल विधानसभा में भी हो? देखिए, बीजेपी राज्यसभा में ऐसे लोगों को मौका देती है, या तो मैसेज ही जाए कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो या फिर उसने समाज हित में कुछ ऐसे काम किए हो जो जिसका फायदा वो राज्यसभा में उठाए, संसद में उस आमूल आवाज को पुख्ता किया जा सके। इससे पहले हमने ये देखा कि सन्यासियों को भी उन्होंने भेजा है, आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे सुमेश सिंह चौहान इसी तरह का उदाहरण है। जबलपुर में एक सांसद, एक राज्य जबलपुर से भी एक ऐसे ही आम कार्यकर्ता, आम महिला कार्यकर्ता को भेजा गया था। तो उम्मीद इसी बात की है कि अनजान सा चेहरा होगा, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, बेहद कम है कि किसी विधायक या एग्जिस्टिंग सांसद को लोकसभा से हटा के राज्यसभा भेजा जाए, बल्कि किसी ऐसे चेहरे को भेजा जाएगा जो संसद के राज्यसभा में किसी विशेष बात को बेहतर ढंग से रख सके और भाजपा का पक्ष बेहतर ढंग से आ सके, कोशिश इसी बात की हो। ठीक है, लेकिन संदीप, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो कुछ नाम जरूर कहीं ना कहीं चर्चा में चलने लगते हैं, कुछ लोगों का अंदाजा लगाया जाना लगता है। क्या अभी कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है? हालांकि बहुत प्रीमेच्योर होगा ये आकलन लगाना, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि बबल जो है, कुछ ना कुछ जो बुलबुले हैं वो फूट रहे हों। देखिए, बिल्कुल सही आकलन आपने किया है। नामों की चर्चा करने बैठेंगे तो एक अनार सौ बीमार जैसे हालात हैं। जैसे ही लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए ज्योतिराज सिंधिया ने हामी भरी थी, उसी वक्त से दावेदार का उठना शुरू हो गए थे और ये वो दावेदार हैं जो जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में पार्टी के लिए काम किया है, पर्दे के पीछे रहकर भी काम किया है। तो ऐसे काफी सारे लोगों की तादाद है जो अलग अलग मंचों पर जाकर, अलग अलग नेताओं के दहलीज पर जाकर ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा के लिए मुफीद उम्मीदवार हो सकते हैं। और ऐसे नेताओं की लिस्ट बेहद लंबी है, एक युवा कार्यकर्ता से लेकर अनुभवी कार्यकर्ता तक, यानी उम्र दराज कार्यकर्ता तक राज्यसभा की दावेदारी ठोक रहे हैं। फैसला भी पार्टी को लेना है। ठीक है, कुल मिलाकर के डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, बस उस पर फैसला होगा कि आखिर किसको तरजीह दी जाए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सभी बढ़ते खबरों में आगे, और इस वक्त पीतमपुर